नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते केमी अच्छा आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भलि सुस्थे तो चलते देखे ना आज टीप्स। तो आज टीप्स टी रही कौन आम प्रथम टीप्स टी हूँ आम जिते बमर किचेन आम तो आम जिते यूज करूँ आम तेल जो रोसे करने तेल यूज करूँ आम तेल यूज कले कौन हुए ना आमर जी बटल थी आम गडे कौन हुए ना आम स्लाब गुड़ा सब तो चारिपटे आम ऑयल हो मैंने रही चिपचिपा लगे तो आप एमती गोटे जमीजे बटल तेल रखि थे से बटल को एमती आपणकर गोटे खबर कागज आणिकी गोड़े देवे गोड़े दे सारापर कौन कर गोटे रबर ता देह लगेदेवे आप रखिदेवे तो आमर जिते बड़े भी जहाँ मानने तेल गड़े आमर ये पेपर सब लगिक रही जमीक आ हाथ चिपचिपा कि बटल सारा तो बोहिकी तो चार सैड लगि जाए तो स्लाबी आम जो रखू से भी आम पूरा तेल पूरा चारिपक्षा पीछे आमको पोछापे पड़े तो एमती कर रखीदेवे ए कागज सब लग सब टाणी नब आम जमा भी आम स्लाबी खराब हेनी तो बटल टी भी आम जमा भी चिपचिपा लगभग तो आशा करीप्सटी आपन को भल लगे तो चलते देखे ना आम नेक्स्ट टीप्स। तो आम जो ग्राइंडर टी आम व्यवहार करूँ बहुत दिन व्यवहार कर सारापर कौन हुए ना आमर एमती भितर पोजिशन टी तो आम मानने कला पड़ा भाई हो जाए तो आम सब बेले मसला ग्राइंड कर सला कर मानने सब बेले यूज कले कौन है ना आम से जगह गुड़ा से ब्लेड गुड़ा आमर कला कला पड़ जाए मानने हाथ में आम सफा कले भी ब्लेड टी थाए तो हाथ केमती आम कटिकोटा जीव तो आमको ध्यान से भी करने पड़े तो ठीक से आम छड़े हो न था तो आम पूरा क्लीन हो देखते मोर एमती कषि जा तो एमती ग्राइंडर टी मिक्सचर टी तो एमती आम गोटे मानने टी पाद पा दे सारापर खावा चटा को टेद आम कौन करवा ना पानी खावा सोडा तापर आम भिनेगर गोटे चामच देद तो देख बिल्कुल भी आम हाथ लगे पड़बन पूरा पूरी क्लीन हो बहुत बढ़िया भाव में आमर तापर देखते ये आम खबर कागज को मु तो छोटो छोटो टुकड़ा करके रखी ले भितर पकईदेली तो आउ जमा भी आमको हाथ लगे ब्लेड गुड़ा अच्छी कटिकोटा जीव हाथ में तो आमको करे जिते बमें करे ध्यान से आमको करने पड़े तो देखते आमको जमा भी हाथ लगे घसवापी पड़बनी तो एमती कर दे सारापर टे समय ताको रखीदेवे रखीगलापर कौन हम ना आम पूरा पूरी सेम छाड़ी जो आम खबर कागज टी रखीचे तो से खाली तो टी घोरदेवे एपट सेपट टे घोरदेवे जमा भी जोर से घसवा दरकार नहीं तो टी समय रखीदेला से पानी ता देह चारिपाखे भेती जाए पूरा पूरी पूरा पूरी पानी रे धोईदेवे आ घसवापी जमा पड़बनी पूरा पूरी क्लीन होमती भाव में देखते एमती करदे मुझे आपन को धोईक देखी मुझे आपन को देखु पूरा क्लीन हो मोर तो हे देखु मुझे धोईक नहीं आसली धोईक नहीं आस सारापर देखते मोर पूरा पूरी जी कषि जाता तो आम खावा सोडा भिनेगर पकईदे कि समय रखीदे रखी सारापर खाली पानी हल्ले धोईदेली मु तो पूरा पूरी तार जिते सब कष लगी से ब्लेड्रे तो पूरा आमर क्लीन हो जाए तो देखते केत बढ़िया भाव में सफा हो देखे जमा भी आमको कष्ट पड़बन तो बढ़िया से आमर तो आमर ग्राइंडेड मिक्सचर जार टी पूरा पूरी क्लीन हो जाए तो आशा करीप्स टी आपको भल लगे तो चलते देखे ना आम नेक्स्ट टीप्स। आम जिते बम सक्स को आम यूज कर पाने आमर हो तो बहुत सारा जिते बड़े सक्स यूज करे आम तो सफा करके धोईक रखला बेलू गदा गदा होपट सेपट आमर रही जाए तो कौ सक्स कौटी एमती ठीक से रखिले भी तो मानने केत केमती आमको मिलेनि तो कमती कौन करें बढ़िया भाव में आम रही जाए एमती तार सक्स को जे सक्स से जगार आपणकर तो रखि नहीं कि तो देखते मुझे ये गोटे सक्स को दुईटी सक्स आमर जो आम व्यवहार करे आम सफा कर रखिने फल करके देखते मुझे मोड़ी रखिने कौन हम ना आम जिते बड़े आम भी खोजा तो
ପୁରାପୁରି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଇଠି ଠିକ୍ ସେ ରହିଥିବ, ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସକ୍ସ ପଡ଼ିଥିବ, ତ ସେମିତି ଆମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କରିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରହିଥିବ, ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ରହିଯିବ। ତ ଚାରିପଟେ ଆମକୁ ତ ଯେତେ ବି ସକ୍ସ ଥିବ ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆମର ଗଦା ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି କରିକି ରଖିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫଲ କରିକି ରଖିନେଲି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ବକ୍ସରେ ତ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସକ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କରି ନେଇକି ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିନେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଜିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ରଖିଦେବେ, ତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବି ରହିଯିବ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ତ ହେଲମେଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ତାକୁ ଛାଳ ହଉ ନହେଲେ ଓଦା ହେଇକି ଆମର ରହିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତା'ର ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟି ଆସେ। ତ ସ୍ମେଲ୍ଟି ଆସେ ଆମକୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗରେ ବି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବି, ଧୋଇଲେ ପୁଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତ ଟିକିଏ ଖାଇବା ସୋଢ଼ାକୁ ଆଣିବେ, ଖାଇବା ସୋଢ଼ାକୁ ଆଣିକି ତା'ର ସେ ହେଲମେଟ୍ରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ହାତରେ ହାତରେ ହଉ ନହେଲେ ଏମିତି ଛାଙ୍କୁଣିରେ, ତ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଚାରିପାଖରେ ଆମର ପଡ଼ିଯିବ। ତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଘଷିକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଘଷି ନେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା, ତ ତା'ପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ତ ଜମା ବି ଆଉ ଲାଗିବନି, ଆସିବନି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆମର ଓଦା ହେଇଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ତ ଯେଉଁ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ଟି ଆସେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜମା ବି ଆଉ ହେବନି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭଲସେ ଘଷିଦେବେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋଛିଦେବେ ଭଲ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପୋଛି ନେଇଛି, ତା'ପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଖରାରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।